स्टूडेंट, वेलकम इन दादीज स्टडी रूम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। हमारे प्रीवियस वीडियो में चल रहा था डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, जहां से हमने इसकी सिंगल कॉलम डिजाइन हम कर चुके थे। आज बात करेंगे हम बिल्ट अप कॉलम। आज हमारी बात होगी बिल्ट अप कॉलम। होता क्या है बिल्ट अप कॉलम? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ट अप कॉलम। बिल्ट अप कॉलम मेनली होगा एक या एक से ज्यादा आपका अगर मेंबर को यूज करते हो आप कॉलम की डिजाइन कर रहे हैं, नोन एज ए बिल्ट अप कॉलम या बिल्ट अप सेक्शन, बिल्ट अप मेंबर्स। तो इसी को हम डिजाइन करेंगे आगे, जिसमें बिल्ट अप कॉलम में हम बात कर रहे हैं दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है बिल्ट अप कॉलम। फर्स्ट इज द लेस्ड कॉलम। लेस्ड कॉलम मीन्स जिसमें आपके लेसिंग यूज हुई हो, और दूसरा है बैटन कॉलम। बैटन कॉलम जिसमें बैटन यूज किया गया है, और इसी में हमारे इस वीडियो का पार्ट होगा लेस्ड कॉलम, मीन्स जिसमें लेसिंग यूज की गई हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक अपने यहाँ लेसिंग की होती क्या। लेसिंग बिल्ट अप कॉलम का ही पार्ट आपका डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में लेसिंग या लेस्ड कॉलम। लेस्ड कॉलम आप यहां चेक करेंगे कि लेस्ड कॉलम क्या है। लेस कॉलम जनरली आपने अलग अलग कुछ सेक्शंस को यूज करते हो अगर कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, और उनको प्रॉपर स्पेसिंग देने के लिए आप एक एक्स्ट्रा प्लेट या मेंबर को यूज कर रहे हैं जिनसे वो प्रॉपर स्पेसिंग में रहे और कुछ स्ट्रेंथ वहां पे आपका रजिस्ट करे। तो उन्हीं के में आप देख रहे हैं लेसिंग कॉलम में आप कुछ इस तरह का, अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए आपके दो कॉलम है। आपने कई जगह देखोगे आपने अपने जो मोबाइल टावर्स होते हैं उन सबको भी, यहाँ वो भी आपके लेस इस तरह से बोल्ट उनमें कनेक्ट होते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आपकी जो प्लेट है यही कहलाती है आपकी लेसिंग, इसी को बोला जाता है लेसिंग। और जिस मेंबर में ये यूज हो रहे हैं उसे ही कहा जाता है लेस्ड कॉलम। इसका दूसरा नाम है लेटेस्ट कॉलम। तो इसी का हम डिजाइन कर रहे हैं हम लेस्ड कॉलम या लेटेस्ट कॉलम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगली लेस। आपकी सिंगल लेसिंग भी हो सकती है, डबल लेसिंग भी हो सकती है। मीन्स आपकी कोई ये मान लीजिए एक सेक्शन है, अगर आपकी इस तरह से आपकी लग रही है कोई, अगर इस तरह से आपके सिंगल कहीं लग रहा है तो ये सिंगल होगी। अगर इसको ही कोई डबल लगेगी तो कुछ इस पोजीशन में अगर इनको इंटरसेक्ट करती है दूसरी लेसिंग या यूज करते हैं तो ये कहलाएगी आपकी डबल लेसिंग या इंटरसेक्टिंग लेसिंग। तो हम यहां बात कर रहे हैं लेसिंग के ऊपर। तो डिजाइन स्टेप ऑफ लेसिंग सबसे पहले लिखे जाए, डिजाइन ऑफ लेस्ड कॉलम। डिजाइन ऑफ लेस्ड कॉलम में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सिंपली अपना कॉलम जो हमने प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, आई बटन जो आ रहा है उसमें आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो हमें वो कॉलम डिजाइन करना है। तो आपको डिजाइन स्टेप फर्स्ट में आप लिखेंगे यहां पर फाइंड जो भी आपके पर्टिकुलर सेक्शन है। तो उसमें आपको कि लास्ट आपको स्टेप अगर बात करें तो पीडी फाइंड आउट करना है, लेकिन पीडी से पहले आपको जस्ट वहां फाइंड आउट कर लीजिए आप फाइन बकलिंग क्लास कौन सी आपकी। बकलिंग क्लास फाइंड आउट करने के बाद यहां पे आप देखेंगे जनरल जो केस की बात करें तो हम सिंगल कॉलम में वहां केएल बाई आर था, बट यहाँ इफेक्टिव लेंथ को जो है वो टोटली 5% इंक्रीज किया जाता है। तो यहाँ स्लेंडरनेस रेशियो जो होगा वो होगा 1.05 केएल बाई, और हम आर एक्सेस की बात कर रहे हैं। आर वाई वाई में अगर आप डिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जो कंप्रेसिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा लो आएगा जिससे आपकी जो फेल हो जाएगा डिजाइन, तो एक्सेस एक्सेस में पूरा डिजाइन होगा। तो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं फाइव लेमडा 1.05 केएल बाई आर एक्सेस, और जब आप 1.8 लेमडा निकाल लेते हैं देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं फाइंड एफसीडी इंटरपोलेशन मेथड। आई बटन से आप देख सकते हैं एफसीडी फाइंड आउट होने के बाद आप यहां निकाल सकते हैं पीडी जो होगा आपका एरिया इंटू एफसीडी, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए जो गिवन लोड होगा आपका उससे ज्यादा। तो जनरली आप जब भी कोई लेसिंग या बैटन कोई भी डिजाइन करें तो सबसे पहला जो डिजाइन स्टेप आपका चलेगी ये चार स्टेप चल रहे हैं, जिसमें लेस के लिए 1.05 मींस 5% एक्स्ट्रा आपका रहेगा, और सिंपली आपको कॉलम को वहां सेव करना है। क्योंकि जब तक आपका कॉलम सेफ नहीं होगा आप आगे सेफ नहीं रख सकते अपने मेंबर्स को। तो यहां कॉलम के बाद अब जो शुरुआत होती है हमारे डिजाइन की वो है डिजाइन ऑफ लेसिंग। उससे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं किस तरह से आपका इशू हो रहा है आप देखें, क्योंकि आप डायग्राम बनाने से आपके कुछ स्टेप्स हैं जो डायग्राम से इजीली क्लियर हो जाएंगे।
ये यहां हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो तो चैनल सेक्शन, क्योंकि जब भी बिल्टअप कॉलम की बात कर रहे हैं तो आपके चैनल सेक्शन या आपका आई सेक्शन जो भी होंगे डबल होंगे, और ये आपका जो फॉर्मेट है ये कहलाएगा टू चैनल सेक्शन बैक टू बैक। अगर ये फ्रंट हो जाए ये दोनों सामने तो कहलाएंगे चैनल सेक्शन फेस टू फेस। यहां पे इनके बीच की स्पेसिंग कहलाएगी स्मॉल डी। आपकी जो स्टील टेबल से आप सेक्शन की पूरी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे और जो वैल्यूज होगी आपकी यहां पे वो होगी यहां पे सी वाई वाई, ऑलरेडी आपको मेंशन होगा सी वाई वाई, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सीजी जो भी है चैनल सेक्शन के बेसिस पे। वो यहां से हम बात करते हैं, अगर हमारे केवल एक चैनल सेक्शन के सीजी की बात करते हैं तो कुछ यहां रहता आपका और एक्स में ये इस तरह रहता दोनों का। लेकिन जब ओवरऑल इसकी सीजी की बात करेंगे तो आपका एक्स तो सही है इसी पॉइंट पे रहेगा, लेकिन जो आपका वाई एक्सिस से आएगा तो वो कुछ यहां पे आपका प्लेस होगा दोनों के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं यहां पे जो सीजी की शिफ्टिंग हुई है तो ये आपका टोटल जो डिस्टेंस होगी इसी को आप यहां कहते हैं एच से हम शो करते हैं। आपने इक्वेशन पढ़ी और आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहां से कोई मीन्स नहीं, जब हम बात करेंगे इस पर डिजाइन पे तब करेंगे। सो सबसे पहले आप देख रहे हैं दो चैनल सेक्शन को आप देख रहे हैं, ये आपका एक टॉप व्यू है जहां से आपको चैनल सेक्शन दिखाई दे रहा है कॉलम का, और अगर इसी का मैं एलिवेशन बनाता हूं जहां पे आपकी लेसिंग लगी है तो आपको सामने से कुछ इस तरह का पोर्शन दिखाई देगा। तो जो लेसिंग लगी होगी वो कुछ लगी होगी आपकी इस फॉर्मेट में, मैं यहां सिंगल लेसिंग के लिए बात कर रहा हूं, बोल्ट के थ्रू यहां कनेक्ट होगी। इस तरह से अब इनकी कुछ किस किस से डिनोट कर रहे हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि उस डेनोटेशन से आपके कुछ स्टेप क्लियर होंगे। देन सबसे पहले हमने यहां बात की ये डी होगा, और जो आपका ये पोर्शन है ये टोटल डिस्टेंस होगी यहां पे एस, और जी ये डिस्टेंस होगी ये आपकी रहेगी यहां जी, गेज लेंथ के हिसाब से बात करेंगे, और जो होता है 50 to 70 mm आपके इस बोल्ट से इस बोल्ट की डिस्टेंस ये कहलाएगी टोटल कैपिटल सी, जो वर्टिकल स्पेसिंग होगी पर्टिकुलर किसी यहां पे एंगल इंक्लाइनेशन एंगल रहेगा थीटा, और जो ये होगी ये होगी आपकी लेंथ ऑफ लेसिंग। तो हम यहीं से पूरा ये फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहां फाइंड आउट करना है स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स, तो आपका फर्स्ट स्टेप मींस चार स्टेप आप कर चुके हैं, उसके बाद ये आपका एक तरह से फिफ्थ स्टेप है स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। तो आपका यहां से देखें आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई वाई वाई ये पुट करना है, बट आप देखेंगे जब एक चैनल का सेक्शन का हो आई एक्स एक्स तब तो सिंपली इसी एक्सिस पे था और बिल्टअप के लिए भी इसी पे था, बट आई वाई वाई केस में चेंज हो गया, आई वाई वाई केस में शिफ्टिंग हुई है, तो यहां फॉर्मूला बन जाता है ए एच स्क्वायर और इसी में आई एक्स एक्स इक्वल्स टू आई वाई वाई, और जो ए एच स्क्वायर है ए हम तीनों वैल्यूज ये जो है आपकी स्टील टेबल से मिली एच, एच मतलब जो शिफ्टिंग हुई है, तो आप यहां देख रहे हैं शिफ्टिंग कितना हुआ है सी वाई वाई और डी का हाफ, तो यहां से देखते हैं डी बाय टू प्लस सी वाई वाई और इसका होल स्क्वायर। सो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स, डी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, देन फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। आप स्टेप नंबर सिक्स दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जो आपकी एस से शो कर रहे हैं, और जो हो जाएगी डी प्लस टू जी, डी प्लस टू जी दोनों तरफ से आपके जी इंक्लूड हो जाएगा। देन आपको यहां इंक्लाइनेशन एंगल प्रोवाइड करना होगा, इंक्लाइनेशन एंगल थीटा, थीटा जो आपको प्रोवाइड करते हैं 40 से 70 डिग्री आप में से कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो बेस्ट आपका रहेगा वो आपका यहां पे है अगर 40 टू 70 डिग्री का, दैट मीन थीटा आपका सबसे बेस्ट यहां पे पुट रखेंगे हम 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री रखने से आपकी कैलकुलेशन भी काफी हद तक इजी हो जाएगी, कुछ कैलकुलेशन आपका टाइम बच जाएगा, और जो इंक्लाइनेशन एंगल है आपका ये क्लोज है आपका यहां पे क्लोज 7.6.4 पेज 50 आप देख सकते हैं यहां पे कि आपका जो स्टेप दिखाई दे रहा है आपको जस्ट कॉल जो आपका कोड है उसमें आप देख रहे हैं क्लोज 7.6.4, तो इंक्लाइनेशन एंगल मिल गया आपको यहां 45 डिग्री। देन नेक्स्ट निकालेंगे यहां से वर्टिकल स्पेसिंग, सिंपल से आप देखते रहे
इस डायग्राम के बेसिस पे तीन चार स्टेप कैसे फाइंड आउट होते हैं, और सारे जो स्टेप है मैं सारे कोड जो अदर स्टेप है वो सारे कोड में अवेलेबल है, बस ये है वहां पे आपको थ्योरी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं वर्टिकल स्पेसिंग निकालने के लिए, वर्टिकल स्पेसिंग जो आपकी टोटल है सी, यहां से मैं निकाल रहे हैं, लेकिन यहां से मैं बात करता हूं मेरे को एक एंगल बन रहा है, आप यहां देख सकते हैं ये एक एंगल बना आपका, इस एंगल को लेते हुए करते हैं, अगर इस एंगल को लेते हुए तो ये स्पेस आपकी हो जाएगी सी बाई टू, बेस आपको पता है एस है, तो यहां से आप एक लगा सकते हैं, यहां से आप मुझे बताए टेन थीटा इक्वल्स टू, आपने सबने पढ़ रखे हैं लाल बटा कक्का एल बाई ए, तो यहां से हम देखते हैं एल कितना है सी बाय टू और ए मतलब आधार बेस कितना है एस, तो यहां से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और वैल्यू आएगी आपकी सी इक्वल्स टू टू एस टेन थीटा। बहुत इजी टर्म मैं आपको बता रहा हूं, ये आप कोड में अगर देखेंगे तो पॉइंट सेवन से काफी ज्यादा आपको टिपिकल है, तो लेकिन इस डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। देन वर्टिकल स्पेसिंग फाइंड आउट करने के बाद स्टेप नंबर नाइन की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर नाइन। अब आप यहां देखें हमारे पास वर्टिकल स्पेसिंग आ चुका है, एस ऑलरेडी पता है, हमारे पास एक वैल्यू और है एल मींस लेंथ ऑफ लेसिंग, जिसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां से वैल्यू निकालनी है लेंथ ऑफ लेसिंग। फिर आप एक उसी ट्राइंगल को यूज करते हुए देखिए, आप इस ट्राइंगल को अगर देखते हो आपको लग रहा है आपको एल पता है आपको बेस पता है, यहां से सिंपल हम निकालते हैं कोस थीटा, कोस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, तो बेस एस कर्ण आपका है एल, तो यहां से आप लेंथ ऑफ लेसिंग निकाल सकते हैं एस बाय कोस थीटा, यहां से आपने पास निकाली लेंथ ऑफ लेसिंग। देन हम फाइंड आउट करेंगे अब यहां नेक्स्ट स्टेप थिकनेस ऑफ लेसिंग, थिकनेस ऑफ लेसिंग के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम थिकनेस जो लेसिंग की होगी तो आप क्लोज जो देखें 7.6.3 थिकनेस ऑफ लेसिंग, थिकनेस ऑफ लेसिंग 7.6.3 पे आप देखें थिकनेस ऑफ लेसिंग इक्वल टू आपका है T इक्वल्स टू एल बाय 40 फॉर सिंगल लेसिंग, अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन हो डबल लेसिंग तो ही हमें डबल डिजाइन होता है, अदरवाइज हम करते हैं सिंगल लेसिंग, और L by 40 डबल के लिए L by 60 फॉर डबल लेसिंग। देन थिकनेस ऑफ लेसिंग निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो हमें निकालना है इस प्लेट की विड्थ, इस प्लेट की विड्थ, 11th स्टेप विड्थ ऑफ प्लेट, फिर तो प्लेट के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आपके जो बोल्ट यूज हो रहा है उस बोल्ट को दाया अपने हिसाब से अज्यूम कर लीजिए 20mm 22mm 24mm जो भी आप यूज करना चाहें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आप किसी पेज पे सबसे ऊपर क्लोज में मेंशन है थ्री टाइम्स ऑफ बोल्ट दाया मींस बी इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ बोल्ट दाया, डी डैश से शो किया है क्योंकि ऑलरेडी डी में यहां मेंशन कर सकूं, ये डी डैश आपका कोई भी बोल्ट दाया जो आप अज्यूम कर रहे हैं, बी इक्वल्स टू थ्री डी मींस इसकी थिकनेस कितनी होगी जितना एमएम का बोल्ट होगा उसका थ्री टाइम्स। सो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 12 एरिया, एरिया ऑफ लेसिंग, तो लेसिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर मैं बात करूं किसी लेसिंग को लेके उसका क्रॉस सेक्शन कहीं पे मिलूं तो आपको क्या दिखेगा, ये एक उसकी थिकनेस टी और ये विड्थ बी, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका बी इंटू टी। देन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे केल बाई आर, वो इफेक्ट में के हम वन अज्यूम करके चल सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोल्ट, बट उसके लिए फाइंड आउट आपको जो आर करना है, आर के लिए आपने पढ़ा रेडियस ऑफ गायरेशन रूट आई बाई ए, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आप टी बाय रूट ट्वेल्व, कैसा है मैं बता देता हूं, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन रहा, रेक्टेंगुलर सेक्शन का आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो आपका बन जाएगा यहां से आपके टोटल बी बी टी क्यूब बाय 12 एरिया आपका हो जाएगा बी इंटू टी, बी टू बी कैंसिल टी आर आर टी स्क्वायर बाय 12 को अगर आप निकालेंगे तो टी बाय रूट 12, तो यहां से आप रेडियस ऑफ गायरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं टी बाय रूट 12।
अब आप निकालते हैं केएल बाई आर, तीन क्लास उससे पहले फाइंड आउट करनी है। तो आपने देखा था पेज 44 टेबल 10 से कि अगर किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन की बकलिंग क्लास होगी सी, सो टेबल 9 से यूज करते हुए आप फाइंड आउट कर लेंगे एफसीडी, क्योंकि ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं यहां से केएल बाई आर। एफआई आपको पता था, केएल बाई आर से आप यहां निकाल लेंगे कि एफसीडी क्या है। एफसीडी जैसे फाइंड आउट होगा लास्ट स्टेप आप लगाएंगे पीएल, स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग। स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग जो होगा आप वहां चेक करेंगे, वो जाएगा एरिया इंटू एफसीडी। इसको चेक करेंगे, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए वी से। वी क्या होगा वो आप यहां देखें, वी आप वी निकालने के लिए सबसे पहले वीटी निकालना होगा। वीटी होता है ट्रांसवर्स शियर, ट्रांसवर्स शियर होगा 2.5% ऑफ जो भी लोड गिवन होगा आपका, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस लेसिंग पे, तो वी इक्वल टू हो जाएगा वीटी बाय 2। तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे कि ये चेक करके कि जो आपकी जो लेसिंग है वो कम से कम वीटी बाय 2 से आपका ज्यादा आ रही है, स्ट्रेंथ जो इसकी आ रही है। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी डिजाइन ऑफ लेसिंग। आपको अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वहां आपकी क्वेरी को सोल्व कर दिया जाएगा। और भी अगर कोई वीडियो आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक जिसको आपको यहाँ सोल्व कराना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और हमारे जो भी स्टील के और भी वीडियोस आते रहेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए, उसके लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए, जो भी आपका नोटिफिकेशन वो तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।